नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर वेलकम करता हूं। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में आपकी वीडियो देखी, डे बाय डे रिलीज हो रही है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आपको मैंने बताया था कि कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट के बारे में पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा। और कल की जो वीडियो रिलीज हुई थी उसमें हम लोगों ने देखा कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी संधारिता के बारे में चर्चा किए थे दूसरी चीज, और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अंदर ले आकर के, पार्शियली डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेकर के आए थे, तो कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ा था। तो इन चीज़ों पे कल हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आज का जो अपना टॉपिक है इसके बारे में थोड़ी बहुत लिंकेज आपको क्लास 10th में मिली होगी, कि जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, ओम्स लॉ, क्लास 10th में। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग रेसिस्टर तो आगे पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर की संधारित्व को हम कैसे जोड़ेंगे आपस में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आज का टॉपिक होगा। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, हिंदी में हेडिंग डालेंगे आप सभी, संधारित्व के संयोजन, संधारित्रों के संयोजन, संधारित्रों के संयोजन। ओके, अब इसको इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहूं तो इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो क्लास 10th में हम लोगों ने, आप सभी ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, कि अगर आप कैपेसिटर को हम अरेंज करते थे, उनको आपस में जोड़ने का जो प्रक्रिया होता था वो हम दो तरीके से करते थे। एक तो अपना जो फंडा होता था, एक तो हम करते थे श्रेणी क्रम में और दूसरा होता था समांतर क्रम में। कहने का मतलब है वी क्लासिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर इनटू द टू फॉर्म, फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर भी कुछ इस तरीके से हम चीजों को लेके चलेंगे। जैसे संधारित्व के संयोजन में, संधारित्व के संयोजन में पहला हम लोग पढ़ेंगे आज श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, और जो अगला कॉम्बिनेशन है अपना, अगला संयोजन करने की जो विधि है समांतर क्रम, समांतर क्रम। इसको कहते हैं इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और समानांतर को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, यहाँ पर हम आपको जो कुछ भी प्रोवाइड करेंगे वो बाइलिंगुअल होगा, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ताकि आप इन फ्यूचर में बीएससी करें या फिर बीटेक या अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए हेल्पफुल हो। इस बात को भी यहाँ पे ध्यान में रख के चीज़ों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखिए, आप लोग पहली हेडिंग लगा लीजिए श्रेणी क्रम। हम लोग आज चर्चा करेंगे पहले श्रेणी क्रम कैसे हम होगा, कैसे कैपेसिटेंस में प्रभाव करेगा, इन सब सारी चीजों के बारे में देखने वाले हैं आप। तो हेडिंग लगा लीजिए श्रेणी क्रम, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हेडिंग आप सभी का आज का है श्रेणी क्रम, इंग्लिश में लिखेंगे इन सीरीज। देखिए, श्रेणी का मतलब क्या है कि एक लीनियर फॉर्म में,
कैसे? जैसे हमारा एक कैपेसिटर है, जस्ट बगल में उसके एक कैपेसिटर लगा लें, उसके बगल में एक कैपेसिटर लगा दें, के बगल में एक कैपेसिटर, के बगल में कैपेसिटर। तो इस तरीके से जो श्रृंखला होती है, जो चेन बना के हम काम करते हैं, उसी को हम कहते हैं श्रेणी क्रम। अब उसमें हमारा जो संधारित्र होता है उस पर क्या कैसे प्रभाव पड़ता है इसके बारे में देखिए यहाँ पे। जैसे हमने तीन कैपेसिटर ले लिया, चलिए हमने तीन कैपेसिटर को श्रेणी में जोड़ा, ये आपका C1 है, ये C2, ये C3 है, और आपस में हमने इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच कर दिया। इनको आपस में हमने श्रेणी क्रम में अटैच कर दिया, एक सिरे को ए को उधर कर दिया, और यहां पर बी वाले पॉइंट को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इसको हमने पृथ्वी से अटैच कर दिया। ओके, अब देखिए यहां पे, अब देखिए अलग अलग कैपेसिटर हैं, लेकिन जो इस पर चार्ज है, क्योंकि एक एक ही वायर से कनेक्ट है, तो इन पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो सेम होगा। आवेश की जो मात्रा होगी प्रत्येक संधारित्र में, प्रत्येक कैपेसिटर में, दैट विल बी इक्वल। कितना होगा? जैसे अगर इस प्लेट पर C1 के पहले प्लेट पे अगर प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू, इसी तरीके से C2 के अगर पहले प्लेट पे प्लस क्यू है तो C2 के अगले प्लेट पे माइनस क्यू। मतलब क्वांट जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो परिमाण होगा, दैट विल बी सेम, वो हमेशा सदैव समान होगा, क्योंकि हमने इनको एक ही वायर से कनेक्ट किया हुआ है। इस बात को समझिएगा। जैसे हम लोगों ने रेसिस्टर में देखा था क्लास 10th में, कि हम जब एक ही वायर से अलग अलग रेसिस्टर्स को हम लोग एक श्रेणी क्रम में जोड़ते थे, तो उस संदर्भ में आप देखते थे कि जो अमाउंट ऑफ करंट है, धारा है, धारा, वैद्युत धारा एक वायर से जब गुजरती थी तो प्रत्येक रेसिस्टर से होकर के सेम धारा गुजरती थी, लेकिन अलग 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 रेसिस्टर के लिए अलग अलग पोटेंशियल हुआ करती थी। माने कि विभव का जो मान था प्रत्येक प्रतिरोध के लिए वो भिन्न भिन्न होता था। ठीक उसी तरीके से संधारित्र में भी हम देख रहे हैं कि जो आवेश की मात्रा है एज हम ट्रीट करेंगे धारा की तरह, और क्या है, सभी में समान है। तो उसी तरीके से C3 के पहले प्लेट में प्लस क्यों और यहाँ पे माइनस क्यों। इतनी बात कंफर्म है। क्या हमने देखा कि तीन कैपेसिटर को हमने एक श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया है, और कनेक्ट करने के पश्चात आप देख रहे हो कि C1, C2, C3 आपके तीन रेसिस्टर हैं, और प्रत्येक रेसिस्टर के जो प्लेट पर आप देख रहे हैं जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, आवेश की जो मात्रा है, दैट इज सेम, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, मतलब क्यू ही है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन इनका जो विभव होगा प्रत्येक रेसिस्टर का वो अलग अलग होगा। इसका हमने मान लिया जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेसिस्टर के लिए V1, दूसरे के लिए हमने V2 ले लिया, इसी तरीके से तीसरे के लिए हमने V3 ले लिया। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई है? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए A से, अब एक चीज देखिए, अगर अलग अलग कैपेसिटर का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले C1 के लिए V1 है, C2 के लिए V2 है, C3 के लिए V3 है, लेकिन इस पूरे सर्किट A से B तक के अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, A से B तक के, तो हमने ले लिया है कितना है, V है। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, पूरे A से B तक का जो पोटेंशियल है दैट इज V। ओके, अब देखिए, अब अलग अलग के लिए अलग अलग हम निकालेंगे। देखिए आपको एक फॉर्मूला मैंने
जब कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर में पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटर होता है सी सी इज इक्वल टू कितना मैंने बताया था क्यू अपॉन वी होता है, और आप देख रहे हो कि प्रत्येक कैपेसिटर के लिए अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल बी सेम विच इज सेम इन ऑल द कंडीशंस। तो कैसे करते हैं देखिए इसके डेराइवेशन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे C1 के लिए अगर मैं C1 के विभव की बात करूं तो आप कहेंगे कितना है V1 है, और V इज इक्वल टू कितना होता है V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका Q अपॉन C होता है, तो Q प्रत्येक कंडीशन में सेम है तो कितना हो जाएगा Q अपॉन C1। इसी तरीके से C2 के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए कितना हो जाएगा V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। ठीक इसी तरीके से अगर हम तीसरे कैपेसिटर के लिए देखें C3 के लिए, तो V3 बराबर कितना हो जाएगा Q अपॉन C3। लेकिन यदि A से B का विभवांतर कितना हो V हो तो V इज इक्वल कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके अब आपको पता है अगर हम पूरे सर्किट के लिए तीनों कैपेसिटर के लिए अगर हम टोटल कैपेसिटेंस या कुल संधारित्र को मैं C मान लो, टोटल संधारित्र को मैं कितना मान लो C, तो यहां से क्या निकल के आएगा Q अपॉन C। देखिए C क्या है आपका कुल आपका कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस पूरे सर्किट का हमने कितना मान लिया है C, तो यहां से V1 V2 V3 का मान हम ऊपर से ले लेते हैं। V1 का मान कितना आ जाएगा Q अपॉन C1, V2 Q अपॉन C2 प्लस V3 Q अपॉन C3। ओके आप देख रहे हैं हर एक टर्म में ऊपर की साइड में न्यूमरेटर में हमारा क्यों 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 कॉमन है, तो ऐसा हम कॉमन इनको ट्रीट कर लेते हैं, आगे ले लेंगे क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू क्यू मैंने कॉमन लिया और अंदर क्या आ गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। आप देख रहे हैं दोनों साइड में क्यों से क्यों कैंसिल आउट होता है, तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा यहां से, यही हमारा मेन पॉइंट है। यहां पर निकल के आ रहा है कि 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसको हम एक बॉक्स में कर देते हैं। ओके आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे हम बता रहे हैं। ओके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो थोड़ी इस बात को समझते हैं फिर से। देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि आपके पास तीन रेसिस्टर हैं C1 C2 C3, हमने इसको एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया इस तरीके से कि अलग अलग कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वैद्युत विभव वो कितना है V1 है V2 है V3 है, इस तरीके से हमने अरेंज किया। अब यहां पे देखिए आप पहले कैपेसिटर के लिए C1 के लिए अगर मैं वैद्युत विभव का मान अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे V1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन C1। इसी तरीके से C2 के लिए
अगर मैं विभव निकालूं V2, तो V2 is equal to Q upon C2। ठीक इसी तरीके से अंतिम जो हमारा तीसरा जो कैपेसिटर C3 के लिए कितना हो जाएगा, V3 is equal to Q upon C3। अगर हम A से V तक के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं उसको V मान लूं, मैं तो विभव, तो कितना हो जाएगा, यदि A से B का विभवांतर V है तो V बराबर किसके हो जाएगा, तीनों विभव के योगफल के बराबर, तो V is equal to V1 plus V2 plus V3। तो V के प्लेस पे हम कितना रखेंगे, Q upon C, V1 के प्लेस पे Q upon C1, ऐसे में ऊपर से मान लेंगे, और Q देखा कॉमन दोनों साइड में, तो Q से Q कैंसिल, और एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। अब देखिए यहां से मतलब क्या है, देखिए क्या निकल के एक निष्कर्ष है, एक कंक्लूजन है, हम उसको फाइंड आउट करते हैं क्या। देखिए तीन कैपेसिटर्स को, तीन क्या मोर देन थ्री भी हो सकता है, टू भी, अगर किसी कैपेसिटर को, किसी संधारित्र को यदि हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, उनको कंबाइंड करते हैं, तो उनकी जो तुल्य, उनकी जो कुल कैपेसिटेंस होती है, संधारित्र होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास तीन रेसिस्टर हैं और आप सोच रहे हो कि तीनों रेसिस्टर से कम वैल्यू आए, तो आप उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस विल बी लो। ओके, इफ हमने रिलेशन देखा यहां से, फॉर्मूला से बात कॉन्सेप्ट होकर के निकल रहा है, क्या है कि 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। जाहिर सी बात है कि 1 अपॉन C करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाती है। ओके, यहां पे एक बात हम नोट में लिखेंगे तो देखेंगे, एक नोटेशन पॉइंट आप सभी लोग लिख लीजिए, लिखेंगे नोट में, इसी के आगे नोट लिख लीजिए, नोटेशन पॉइंट डालेंगे, लिखिए तुल्य धारिता का मान, तुल्य धारिता का मान, तुल्य धारिता का मान, धारित की धारिता, सॉरी, तुल्य धारिता का मान श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में जुड़े सबसे कम धारिता, जुड़े सबसे कम धारिता कैपेसिटेंस, मतलब वाले संधारित से, वाले संधारित्र से, संधारित से भी कम होता है, संधारित से भी कम होता है। ओके, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लगा दे रहे हैं, ओके okay, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फुली। ओके, तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो तुल्य धारिता होती है, तो धारिता का मान श्रेणी क्रम में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होता है। ये बात क्लियर हो गई है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग अगली हेडिंग लगा लीजिए, समानांतर क्रम में, इन पैरेलल,
हेडिंग लगाइए आप सभी लोग। आपकी अगली हेडिंग है समांतर क्रम, लिखेंगे बी में समांतर क्रम, मतलब इन पैरेलल, इन पैरेलल। ओके, हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। ठीक, तो चलिए देखिए पैरेलल में भी हम तीन कैपेसिटर को जोड़ते हैं और कैसे, देखिए इस बात को। तो तीन कैपेसिटर हम ले रहे हैं, उनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ओके, आपके सामने तीन कैपेसिटर हैं C1, C2, C3। प्रत्येक का नाम कितना है? C1, C2, C3। ओके, अब इनको AB पॉइंट से हम इसको जोड़ दे रहे हैं। A और B से हम प्रत्येक को जोड़ रहे हैं यहां पे। पहले मैंने इसको जोड़ा C2 को, इसके बाद चलिए इनको भी जोड़ देते हैं। C2 को भी C1 को भी इसी तरीके से जोड़ दें। ओके, लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है कि प्रत्येक कैपेसिटर पर जो विभव का मान है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो आवेश की मात्रा है अलग अलग कैपेसिटर में वो डिफरेंट रहेगी, वो भिन्न रहेगा। तो पहले के लिए हमने ले लिया प्लस Q1, ये हो जाएगा माइनस Q1, इसी तरीके से यहां का प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3। इतनी बात क्लियर है? A को मैंने एक वायर से जोड़ दिया और B वाले को हमने एक अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने पृथ्वी से कनेक्ट किया। ओके, और A से B का जो विभव है उसको मैंने मान लिया, वो कितना है आपका? V है, टोटल मैंने V ले लिया। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए हम इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, पूरे सर्किट का पूरा तुल्य संधारित्र निकालेंगे और देखेंगे क्या कैसे इस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो आप देखिए यहां पे, आप C1 की बात करेंगे तो भी विभव सेम है, C2 की बात करेंगे तो भी आपके विभव सेम है, C3 की बात करेंगे तो भी विभव सेम है। तो डिफरेंट क्या है यहां पे? अंतर आप अगर देख रहे हो तो अंतर से भी एक चीज दिखेगा, वो क्या है? आवेश। यहां Q1 है, यहां Q2 है, यहां Q3 है। अब देखिए कैसे निकालेंगे इनको। पहले डेरिवेशन वालों की तरह ही हम लोग लिखेंगे यहां पे C1 के लिए, C1 के लिए कितना हो जाएगा यहां पे? C1 के लिए Q1 बराबर कितना हो जाएगा? Q = CV होता है, तो
तो सी वन और वी तो सबके लिए बराबर है। इसी तरीके से सी थ्री के लिए, सी टू के लिए क्यू टू बराबर आपका हो जाएगा सी टू वी। ओके, तीसरे कैपेसिटर सी थ्री के लिए क्यू थ्री इज इक्वल टू सी थ्री वी। ओके, इतनी बात क्लियर है? यदि ये बात क्लियर है, यहां पर देखेंगे ये हम ऐसा लिखते हैं, इतना पहले आप लिख लीजिए, लिखेंगे तीनों संधारित्र की, एक बात यहां पर लिखेंगे, यदि तीनों संधारित्र की या तीनों संधारित्र का कुल आवेश, मैंने मान लिया Q हो, कुल आवेश कितना है Q है, तो आपका जो Q है Q इज इक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q3 होगा। ओके, और पूरे सर्किट का हमने जो कैपेसिटेंस माना है, संधारित्र माना है, उसको अगर C मान ले तो कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए Q इज इक्वल टू सी वी, Q बराबर अगर हम यहां पे लिख दें सी वी, और ऊपर से हम Q1 Q2 Q3 की वैल्यू अगर रखें तो कितना आ जाएगा सी वन बी सी टू बी सी थ्री बी। क्लियर है? अब यहां पे देखिए तीनों समीकरण तीनों पदों में v कॉमन है, तो v आप एज अ कॉमन ले लीजिए, v मैंने कॉमन लिया तो अंदर आ गया सी वन सी टू सी थ्री। ओके, इस v से v को हम कैंसल आउट करते हैं तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा उसको देखिए, कि C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आप इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझा रहे हैं आपको। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ओके चलिए समझते हैं। देखिए पिछले वाले कॉन्सेप्ट में, पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने सीखा था कि तीन कैपेसिटर थे आपके पास, हमने तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज किया हुआ था। इस बार भी हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, लेकिन हमने उनको एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच किया हुआ है, तो उसका हमें कुल संधारित्र निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप देखिए, आपके पास तीन कैपेसिटर हैं, तीनों को मैंने ए बी से जोड़ दिया, ए बी का जो कुल विभव है वी है, और प्रत्येक कैपेसिटर का अलग अलग कैपेसिटेंस है फॉर सी वन सी टू सी थ्री, इसीलिए इन पर क्या है आवेश क्या है जो इंड्यूस हो रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, पहले के लिए क्यू वन है क्यू टू है क्यू थ्री है। ओके, अब देखिए यहां पे अगर हम पहले कैपेसिटर के लिए निकालें फॉर सी वन, तो क्यू वन बराबर कितना है सी वन वी है, क्यू टू के लिए अगर देखें तो क्यू टू इज इक्वल टू सी टू वी, C3 के लिए अगर हम देखें तीसरे कैपेसिटर के लिए तो Q3 इज इक्वल टू C3 भी है। ओके, अब देखिए अगर हम कुल आवेशों को टोटल जो आपका चार्ज है उसको अगर मैं Q मान लूं तो यहां से हो जाएगा,
यदि तीनों संधारित्र का कुल आवेश मैंने क्यू मान लिया तो क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री हो जाएगा। सॉरी देखिए तो Q1, Q2, Q3 की जो वैल्यूज हैं हम ऊपर से हम ले लेंगे यहां पे, तो Q बराबर CV इज इक्वल टू Q1 कितना हो जाएगा C1V, Q2 C2V, Q3 C3V। आप देख रहे हैं तीनों पदों में V कॉमन है तो V कॉमन से कॉमन मैंने कैंसिल कर दिया तो आ गया C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। ये बात समझ में आई। अब देखिए यहां पे अगर मेरे पास तीन कैपेसिटर है और मैं उनको इस तरीके से जोड़ना है कि तीनों की तीनों से कम वैल्यू है, तो मैंने श्रेणी क्रम आपको बताया था लेकिन समांतर क्रम में आप देखिए अगर आप तीनों कैपेसिटर को आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ने के पश्चात जो योगफल आएगा C वो तीनों से तो बड़ा ही तो मान आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम समानांतर क्रम में अगर हम किसी कैपेसिटर का संयोजन करते हैं तो उनकी धारिता का मान बढ़ जाता है, हमेशा बढ़ा हुआ मान आएगा। तो एक नोटेशन पॉइंट यहां पे जरूरी होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिए है ना, चलिए एक इरेज करने के बाद एक नोटेशन पॉइंट लिखेंगे। तो यहां पे एक नोटेशन पॉइंट डालेंगे, एक नोटेशन पॉइंट होगा यहां पर। एक बात नोट में लिखेंगे आप सभी, नोट में लिखिए नोट, क्या लिखेंगे? समांतर क्रम में जुड़े हुए समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारितों की कुल धारिता, संधारित्रों की कुल धारिता, संधारितों की कुल धारिता उनकी पृथक पृथक माने अलग अलग, सेपरेटली अगर हम देखें तो उनकी पृथक पृथक धारिताओं, उनकी पृथक पृथक धारिताओं के योग के बराबर होती है, के योग के बराबर होती है, बराबर होती है। ओके इसको आप डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखें, नोटेशन पॉइंट है, इसको ध्यान देने होंगे बात है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, एक बार समझा दे रहे हैं आपको चीजों को। देखिए यहां पे लिखा क्या है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारितों की कुल धारिता उनकी पृथक पृथक, पृथक पृथक का मतलब अलग अलग हम जोड़े तो धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो समझने की बात है कि अगर हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं और अब उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम जोड़े हैं तो उनकी जो कुल कैपेसिटेंस होगी, टोटल कैपेसिटेंस होगी, कुल धारिता जो होगी उनके गणितीय योगफल के बराबर होगी। सिंपली सी बात थी, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और यहां पर जितनी भी बातें मैं आपको लिखा हूं, चाहे डेरिवेशन करूं या कोई डायग्राम में बनाता हूं वहां पर, या कोई नोटेशन पॉइंट आपको देते हैं, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं, तो यू हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि उसको आप लिखिए, ठीक है? तो
लिखिए, क्योंकि यहां पे मैं उन बातों को आपको प्रोवाइड करने को प्रयास करता हूं कि जो बुक में आपके बिल्कुल की पॉइंट है। ओके, मतलब जहां से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। देखिए, फिजिक्स जो अब तक आप पढ़े, कैसे पढ़े आई डोंट नो, बट आगे के लिए कैसे क्या करना है कि जब तक आपको फिजिक्स दिखेगी नहीं, फिजिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम डेरिवेशन लगा लें, हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें प्रीवियस ईयर, तो इन सब करने से आप, हो सकता है कि बोर्ड में यू विल परफॉर्म वेल इन परफॉर्मेंस, बट लेकिन आगे के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक अच्छी समझ होनी चाहिए। तो अक्सर आप देखते हो कि कभी कभी बोर्ड में आ जाता है कि कहते हैं कि नहीं फिजिक्स में बहुत टफ न्यूमेरिकल आया था या ऐसा था, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए, बोर्ड जो होता है वो नॉर्मली आपके लिए सिंपली क्वेश्चन ही होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। आपके एनसीईआरटी सिलेबस से, आपके जो सिलेबस है आपके पाठ्यक्रम से ही प्रश्न आते हैं। तो बशर्ते हम क्या करते हैं कि चीज़ों को सिर्फ डेरिवेशन तक ही या प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल तक ही अपने नॉलेज को सीमित करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें कॉन्सेप्ट पर एक पकड़ बनानी है। अगर हमारा पकड़ कॉन्सेप्ट पर होगा तो हम कोई भी न्यूमेरिकल आए कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको तो फिलहाल एनसीईआरटी लेवल और यूपी बोर्ड या जो बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे लगवाएंगे वेल अप टू डेट। और आप निश्चिंत रहिए, आपका जो क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का सिलेबस है वो 101% आपका कंप्लीट होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आने वाला जो 2021 है वो आपका है, उसमें आप बेहतर करेंगे। इस बात के लिए बिल्कुल अब तक का सबसे बेस्ट आपको दिया जाएगा। और हिंदी मीडियम के लिए और इससे ज़्यादा आपको कहीं और भी मैटर नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, कोई टॉपिक लीव नहीं किया जाएगा, सारे टॉपिक को वेल अप टू डेट बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो हम अपनी तरफ से, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आप इसको पहुँचाइए और लोगों तक, अपने दोस्तों में बताओ और लोग, ताकि हम भी मोटिवेट हों। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अगर आप देख रहे हो तो आपका भी एक उत्तरदायित्व बनता है। यू हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर। तो टीचर के लिए बस आप इतना कर दीजिए कि आप इसको लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहा है, और अच्छा लग रहा है तो और लोगों तक बताइए। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगला जो अपन टॉपिक है उसका नाम है, इसको पहले इरेज करते हैं फिर आज के अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग लगा लीजिए आप सभी, हेडिंग है आवेशित संधारित की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ओके, इंग्लिश में भी आप सभी हेडिंग लगा लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। इंग्लिश में हेडिंग लगा लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर। ओके, देखिए समझते हैं हम, इतना अगर आप लिख लिए हो तो इसके डेरिवेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट सेक्शन में इसको रखेंगे। हेडिंग आप लोगों का क्या है, देखिए आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश में कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर। अगर कोई आवेशित कैपेसिटर है आपका, संधारित्र है, और उसकी आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो कैसे हम गणितीय रूप से इसको परिभाषित करेंगे, इसका निगमन करते हैं। आइए देखिए, अब देखिए यहां पर क्या मानना है, कुछ बातें हम मानेंगे। मैंने माना कि आपके पास कोई संधारित्र है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी है। कोई संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है, सी है। किसी क्षण उस संधारित्र पर जो आवेशों की मात्रा थी वो क्यू डैश था, मैंने मान लिया किसी क्षण
उस कैपेसिटर, जैसे आप कल्पना करिए, आप मानिए, इमेजिन दैट आपके पास एक कैपेसिटर है, ओके okay? इस कैपेसिटर की जो संधारिता है, सॉरी धारिता जो है वो सी है, कैपेसिटेंस कितनी है, सी है। अब इसको मैं क्यों आवेश इसको दे रहा हूं, सॉरी ऐसा नहीं, कैपेसिटेंस है। अब किसी क्षण इस पर आवेशों की जो मात्रा है क्यू डैश है। मैंने मान लिया कि किसी क्षण आप चेक किए कि जो कैपेसिटर अपने हाथ में है इसकी कैपेसिटी, इसकी अमाउंट ऑफ द चार्ज है, जो आवेशों की मात्रा है क्यू डैश है, और उसी क्षण इसके विभव की जो मात्रा है वी डैश है। इतनी बात समझ में आई है? तो देखिए कैसे कर रहे हैं, कुछ बातें लिखेंगे लिखेंगे। माना किसी क्षण, सॉरी माना किसी संधारित, माना किसी संधारित की धारिता कैपिटल सी है, किसी क्षण किसी क्षण उस पर आवेश, किसी क्षण उस पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्यू डैश है, तथा उसी क्षण विभव वी डैश है। तो अगर ऐसा है तो सी क्यू और वी के बीच में हम एक रिलेशन जानते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे कि वी डैश इज इक्वल टू, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि वी डैश बराबर कितना हो जाएगा आपका, क्यू डैश अपॉन सी हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन सी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात अगर क्लियर है तो हम आगे देखिए क्या करते हैं। अगर संधारित्र को हम क्यू डैश आवेश और देना चाहें तो उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। तो लिखेंगे, क्या लिखते हैं आगे लिखेंगे आप सभी, अब संधारित्र को, अब संधारित को डी क्यू आवेश, अब संधारित को डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, या ऐसे लिख लीजिए, संधारित को डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, किया गया जो कार्य आपका डी डब्ल्यू है, क्योंकि हम डी क्यू को कर रहे हैं काम, स्मॉल अमाउंट का चार्ज है तो छोटा काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने कितना ले लिया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू होता है, तो यहां से कितना हो जाएगा, वी डैश डी क्यू, तो वी डैश डी क्यू, तो वी डैश की वैल्यू अगर समीकरण एक से लें तो कितना आ जाएगा, क्यू डैश सी डी क्यू। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर हमें इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आगे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहां पे संधारित्र को, संधारित्र को शून्य से क्यों आवेश देने में किया गया कार्य। देखिए यहां पे, देखिए मैंने क्या माना यहां पे कि
कि अगर आपको इस संधारित्र को DQ आवेश देना है तो उसके एवज में हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो कार्य क्या है, DW इज इक्वल टू V-DQ, क्योंकि विभव आपका V- है और DQ है, तो V- की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो DW इज इक्वल टू Q-CDQ हो जाएगा। तो लेकिन अगर हमें शून्य से क्यू आवेश देना हो तो उसके एवज में हमें एक बड़ा अमाउंट में काम करना पड़ेगा, तो हम इस DQ को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा W निकालने के लिए। तो यहां पे हम लिखेंगे, तो हमारा जो W होगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, उसका हम समाकलन करेंगे, कहां से, शून्य से क्यों आवेश दे रहे हैं, तो शून्य से क्यों किसका Q-CDQ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए यहां पे जो कांस्टेंट पार्ट हम उसको बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट पार्ट को मैंने बाहर लिया तो 1/C आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से Q हो गया। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू 1/C इन ब्रैकेट में Q- का स्क्वायर अपॉन C और 0 से Q हम इसका लिमिट ले लेते हैं। ओके, अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, अगर अपर और लोअर लिमिट को हम रख दें, अपर और लोअर लिमिट को रखेंगे तो हमें मिलेगा W इज इक्वल टू 1/C और ब्रैकेट में आ जाएगा Q² / 2। इतनी बात समझ में आ गई, इतना हमें कार्य करना पड़ेगा। लेकिन यह जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, मतलब दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देन दिस W इज इक्वल टू द U। कैसे लिखेंगे, यहां पे एक बात लिखना पड़ेगा हमें, यह कार्य कितना है, W स्थितिज ऊर्जा जो कि आपका U होता है के रूप में संचित होगा, के रूप में स्टोर होगा, संचित होगा, के रूप में संचित होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि U is equal to half, या ऐसा लिख लीजिए 1/2 इन ब्रैकेट में Q² / C, Q² / C, आप इसको ब्रैकेट में बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो देखिए, अगर हमें आवेशी संधारित्र की उसका निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो उसकी वैल्यू जो U बराबर कितना होता है, हाफ Q² / C होता है। और भी फॉर्मूलाज हैं, अभी हम निकाल रहे हैं, पहले आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए यहां पे एक बार फिर से समझेंगे हम लोग, आपके पास विभव कितना है, V-Q-C, इक्वेशन नंबर 1 आपने माना। अगर हम किसी DQ आवेश अगर हमें प्रोवाइड करना है कैपेसिटर को, तो उसके एवज में हमें कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य छोटा होगा तो DQ इज इक्वल टू V-DQ हो जाएगा, और V- की मान ऊपर से हम रखेंगे यहाँ पे, इतना हो गया। अब अगर हम संधारित को शून्य से क्यू आवेश देना चाहें तो उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से क्यू तक, तो इंटीग्रेट करा तो हमें फॉर्मूला निकला, कितना मिल गया, W बराबर 1/C इन ब्रैकेट में Q² / T। लेकिन जो कार्य है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा और स्टोर होकर U के फॉर्म में आएगा, तो यहां पे निकल करके आ रहा है कि U इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट में Q² / C। तो यहीं पे नहीं होगा, आगे हम 2-3 फॉर्मूले और भी डेवलप करते हैं यहां से, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको आप सभी ने लिख लिया है। तो देखिए कुछ इसके और भी रूप होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा यहां पे, कि U बराबर हाफ इन ब्रैकेट में
क्यू स्क्वायर अपॉन सी, यही जाना। हम लोगों को यही पता लगा, लेकिन इसके और भी रूप को हम डेवलप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए एक रूप और होता है, आपको एक बात पता है, चूंकि क्यू इज इक्वल टू कितना होता है सी बी, आप यहां पे पुट कर दीजिए, यू बराबर हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, तो सी से सी कैंसिल, तो यू बराबर कितना आ गया हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है आपका, तो आप इसे भी बॉक्स में एक बना लीजिए। एक आपका ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, एक आपका ये हो गया। ओके आप इसको ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके तो देखिए आज के टॉपिक में हम लोगों ने कई सारी चीजों को देखा, जैसे आपने देखा सबसे पहले कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम कैसे करते हैं, जिसके एवज में हम लोगों ने दो तरीके से कैपेसिटर्स को जोड़ा। पहला था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सॉरी पहला था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों चीजों को मैंने कंप्लीट किया कि बाद में हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, मतलब कोई अगर आवेशी संधारित्र है तो उसका हम कैसे स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, इसको भी हमने निकाला, और वहां से दो फॉर्मूले निकल करके हमारे आए कि U इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट में Q स्क्वायर अपॉन C, और अगला फॉर्मूला जो हमारा निकल करके आया U इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट में CV स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपके यहाँ से डेवलप होकर के आते हैं। तो देखिए कल के टॉपिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसको बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। कल देखिए कल मैं पढ़ाऊंगा आपको ऊर्जा घनत्व के बारे में, और कुछ देखेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह, नहीं तो एक आपका डिवाइस बचा हुआ है अभी, वेंडेग्राफ जनरेटर, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे अगली वाली वीडियो में। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, जिन्होंने नहीं किया लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कमेंट सेक्शन, सॉरी आप जाएंगे तो आप जैसे ही वीडियो सर्च करते हो तो नीचे आपको मिलेगा, तो वहाँ पर जा करके आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों तक शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।